और आ गया है मेरा वाला। हे एवरीवन और गुड मॉर्निंग आप सभी को, और वेलकम यू बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम सुबह सुबह आ गए हैं खेत पे, ये देखिए कोड़ी लेके, और आ गए हैं। तो अभी जाना है आलू कोड़ने के लिए, तो हम नाश्ता वास्ता करके आ गए हैं, और मम्मी लोग आएगी थोड़ा लेट से। तो ये देखिए मेरा वो वाला खेत, सरसों वाला खेत, देखिए सारा क्या हुआ है इधर से। ये देखिए ये सरसों क्या हुआ, गिर जा रहा है, भारी हो जाता है बस गिर जाता है, देखिए सारा झुक गया। देखिए इसमें सीत, सारा झुक गया नीचे। तो ये क्या होता है ना, भारी हो जाता है उसके बाद झुक जाता है ये, उसके बाद धीरे धीरे ये पकेगा, इसमें दाना धीरे धीरे हो रहा होगा, ये शायद दिखता होगा अंदर में थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला खेत मेरा ही है, ये वाला खेत देखिए, इन लोग का सरसों, इन लोग का पता नहीं क्यों नहीं झुका है, इन लोग का देखिए सीधा सीधा एकदम खड़ा। अब मेरा वाला गिर गया, बोरा गया है मेरा वाला, मतलब खूब ज़्यादा बढ़ गया। ये अंकल का है, मेरा अंकल का, एकदम लग रहा है ना कि सजाया गया है, ऐसा लग रहा है ये। ये बंद गोभी और ये पत्ता गोभी, ये वाला पत्ता गोभी और ये बंद गोभी, बंद रहता है इसलिए। और यहाँ पे कोड़ के जौ बुन दिया गया है, ये देखिए जौ, ये जौ है, और ये आलू, इसका पत्ता काट दिए हैं देखिए ऐसे। तो इतना कल मम्मी और पापा कोड़े हैं, और हम आए हैं अभी फ़िलहाल अकेले, तो इसको अभी हम कोड़ते हैं जितना हो सकेगा। कौन सा साइड वाला कोड़ना है, इधर का है छोड़ दिए कोड़ के आधा, फिर आधा इधर कोड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइज। तो फ़ोन कर लेते हैं गाइज, देखते हैं पूछते हैं किधर से कोड़ना है। उसके बाद चलिए फिर, धूप हो गया है एकदम जोर का, गर्मी भी लग रहा है एकदम जोर का। ऐसे आलू को छांटते जाना है ताकि जो पीछे रहेगा वो चुनते जाए, क्योंकि मट्टी में फिर आलू दिखेगा नहीं ना, इसीलिए। तो दबा के मारना पड़ता है ताकि आलू कट नहीं जाए। गाइस तो ये देखिए आलू कैसे कटता है, देखिए ऐसे कट गया एक, इसको ऐसे मारे, अब इधर ये छुपा हुआ था, कल ही का आलू है ये, तो हम ऐसे कोड़े बस कट गया ये। ये देखिए टोपी पहन लिए हैं धूप से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है एकदम फेस पे पीछे से, तो हम ऐसे अभी पहन लिए हैं, धूप से बचा रहा है हमको। जैकेट उधर रख दिए नीचे में घर में। हे एवरीवन, तो हो गया है, मतलब अभी थक गए हैं और जा रहे हैं खाना खाने अभी। तो बहुत सारा आलू कोड़ रखे हैं, ये देखिए
यहाँ से वहाँ तक कोड़े। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा धूप हो गया, गर्मी भी लग रहा है और भूख भी लग गया, तो कोई कोई आलू कट भी गया। ये अंदर रह जाता है, बस पता ही नहीं चलता है। तो आर्यन अभी आया है खाना खा के और आलू चुन रहा है। और मम्मी भी आ रही है उधर से, हम जा रहे हैं तब तक खाना वाना खाएंगे थोड़ा, उसके बाद फिर आएंगे। इधर गीला था इसीलिए इधर से छोड़ के चले गए। इधर बहुत ज़्यादा गीला है तो मिट्टी सड़ जाता है। देखिए अभी भी गीला है यहाँ पे, देखिए इसलिए। उधर थोड़ा सूखा है तो जल्दी कोड़ा जाता है, उतना नहीं छोड़ाना है बस। मट्टी जो है मैंने ये वाला मटिया, जैसे देखो ये सब है ना, इसका ऐसे कर ले जाए। और क्या खा के आया आर्यन? माड़ भात खाया। क्यों, सब्जी नहीं बनल था? तो कहे नहीं खाया सब्जी भात, माड़ भात खाने का मन कर, वो खराब है। तो चलिए हम भी चलते हैं और खाना खा के आते हैं। धूप के कारण हम ऐसे टांग लिए थे सर पे, और गर्मी तो एकदम बिजोड़ का हो गया है। अब रात को जितना ठंडा था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी। अरे नानी जी है वो का, ये देखिए मम्मी आज दिन भर प्याज कोड़ी है और आज शाम को सोएगी बढ़िया से एकदम। हाँ नए सूतिएगा पता चलेगा ना। इनको बोल रहे थे प्याज नहीं कोड़ने के लिए और कोड़ी है। और यहाँ से अभी हम लोग का हो गया है पूरा खेत, आलू कोड़ दिए हैं अभी से। यहाँ से जा रही थी चुन के, कोड़ा गया। इसमें छोटा छोटा आलू है और इसमें बड़ा बड़ा, ये मकई। पूरा खेत डन डना डन डन। चलिए थोड़ा चोरी करके मटर खाते हैं, ये अपना ही गोतिया का है, एक आगू खा ही लेते हैं तो दिक्कत है नहीं। चोरी चोरी देखिए ये फूल, आलू कोड़ने के बाद आ गए हैं यहाँ पे। आज धान बेसाना है तो इसके लिए चूल्हा में आग लगा दिए हैं। इसमें ये मिट्टी का लेवा दिए हैं ताकि धुआं से ये काला काला नहीं हो जाए इसलिए। देखिए अरे रे रे भूत मत जाना। बुताइल जा रहा तो काम का कमी नहीं है यहाँ पे। ये मिट्टी का दिए हैं ताकि काला हो तो मिट्टी काला हो, इसमें नहीं लगे, क्योंकि इसमें लग जाने के बाद छोड़ाने में हालत ख़राब हो जाता है, इसलिए मिट्टी का दिया जाता है। मिट्टी का भी दे सकते हैं, सर्फ भी दे सकते हैं, कुछ भी। बुताल जा रहा है मम्मी,
मम्मी लगाएगी। तो ये देखिए एक डेगची धान हो गया है, इसको इसमें निकाल दी मतलब डेगची से, और यहाँ पे दूसरा डेगची में धान डला गया है। तो ये मोटा मोटा लकड़ी एकदम लगा हुआ है देखिए। तो पहले क्या होता था कि पहले जब लकड़ी या फिर उतना नहीं था तो पहले जो ये धान कुटाते हैं इसका जो भूसा निकलता है उसको झोंकते थे रात भर जग के। तो हम छोटा थे, आर्यन निकलता होंगे उस टाइम, रात भर जगते थे और उसको इसमें फेंकते जाते थे, वो उससे मतलब और जलता था उसी से आग। फिर अब तो है फिलहाल लकड़ी तो उतना, और उसको झोंकते झोंकते ना पूरा एकदम धुआं गर्दा गर्दा हो जाते थे। तो और आज तो खाना नहीं बनेगा क्योंकि दिन में मम्मी बनाई थी सब्जी और रोटी और चावल भी बचा हुआ है। तो हम लोग आज सब कोई थके हुए हैं और मम्मी तो और ज़्यादा फिर भी बना रही है, फिर भी इधर काम कर रही है। उनको डॉक्टर झुक के काम करने में मना किया फिर भी वो आज धान प्याज कोड़ी है। सबको डांटते हैं दीदी लोग फिर भी नहीं सुनती है। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें, छोटों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए जय हिंद।